सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 49 में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमें एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो ये मेथड कैसे यूज होता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 48 में सही से एक्सप्लेन किया है और उसके हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख के उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 1। तो ये इसके पार्ट 2 है। इस पार्ट को हमने इस मेथड से सोल्व करना है। तो हम पहले इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन कौन सी यूज करनी है वो आपकी मर्जी है। तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। टेक इक्वेशन 1, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो ये प्लस का 3y इधर आएगा, क्या होगा, माइनस का 3y। तो 4x इक्वल टू 2 माइनस 3y। अब ये 4 मल्टीप्लाई करे, इधर क्या करेगा, डिवाइड। एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3y अपान 4। ये हमारे पास क्या बन गया, एक न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि हमें एक न्यू वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस का 1। तो हमारे पास 5x, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 इंटू 2 माइनस 3y अपान 4 प्लस का 2y इक्वल टू माइनस 1। तो 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15y अपान 4 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 1। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 1 जा 4, तो 10 माइनस 15y, इसके नीचे कुछ नहीं 1 तो है, 1 4 जा 4, तो 2 4 जा 8y इक्वल टू माइनस 1। 4 में डिवाइड करे इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 10 माइनस 15y प्लस 8y इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 4। 10 माइनस y 15 प्लस का 8, तो क्या बनेगा, माइनस का 7y बचेगा इक्वल टू माइनस का 4। तो ये प्लस का 10 इधर आके क्या होगा, माइनस का 10। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 10, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस माइनस टू माइनस प्लस, तो माइनस का 14। तो माइनस का 7 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, डिवाइड। तो y इक्वल टू माइनस 14 अपान माइनस 7, माइनस माइनस से गया, 7 1 7, 7 2 14। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x की। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन ऑलरेडी सोल्व पड़ी है तो हमारे पास इधर से आसानी से मिल जाएगी। तो हम आप 1 2 में भी आप पुट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपान 4, x 2 माइनस 3, y की वैल्यू 2 है अपान 4, तो 2 माइनस 3 टू 6 अपान 4, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो माइनस का 4 अपान 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो x क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो x कमा y की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 कमा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। लेक्चर आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंच रहे। अल्लाह हाफिज़। Dreams fade away like a card, never change. Play the game that we say. I need a break.